तो आदमी की थोड़ी सी भी होती है, जगह जगह पे छोटे वाले अंडे छुपाने हैं, ये वाले अंडे हाँ, उनके साथ क्लूज रखूंगी कि अगला एक बिस्किट में उसको काट के ऊपर जाके मम्मी का टूथपेस्ट थोड़ा सा। मास्टर शेफ आज हमारे डिनर बना रही हैं पिज्जा मफिन। सुबह सुबह शोर है, क्या सीख रहा है मम्मी से? हैं? प्रेस करनी सीख रहा है, प्रेस करनी सीख रहा है मम्मी से सुबह सुबह शोर है। तत्ता इसका पता है, तत्ता है आपे को नहीं आ रहा तो ये अब कौन सा दीदी का कर दे, ये कर दे आई करते हैं दीदी का ऐसे 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 ठीक है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी, वो भी तेरी तरह करने की सोच रही, सोच रहा फिर ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा दीवार पे देख देख, वो यशिका जैसे कर रही थी ना वैसे करने की सोच रहा, ऐसे करके हां से ऐसे हां करो, आप करो देखना आपके देखेगा फिर पीछे आएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और जैसे कि आप लोग पता है मेरे पैर में इंजरी हो रखी थी, तो अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, सूजन थोड़ी सी कम हो रही है, इतनी भी कम नहीं हुई, तो अब थोड़ा सा मैं बेटर चल पा रहा हूँ। कोल्ड जो कह रहे थे ना बहुत सारे लोगों ने, कोल्ड थेरेपी लो मतलब कि आइस पैक लगाओ, तो वो मैंने लगाया। वो बैंडेज जो बताई वो बैंडेज नहीं लगाई, वो बैंडेज अभी लगाऊंगा, आज लगाऊंगा अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो। मुझे लगा आइस पैक लगा के देखता हूँ, मैं दिन में 3-4 बार आइस पैक की थेरेपी करने में लगा था। और ये अभी भी सुबह सुबह ये प्रेस वाला सिस्टम चलने में लगा हुआ है, इतने हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं ये पता नहीं अभी भी। क्या कर रहे बेटा? बहुत सारे बचे हुए हैं देख लो। शोर्रे की ट्राउजर है, ये शोर्रे की है या मेरी है? आपकी वालों के साथ कुछ भी हो सकता क्या है क्या कर रहे हो? ये हमारा भाई लंच रेडी हो चुका है, अभी मैं पाक वाली चटनी के साथ गाजर पाक वाली चटनी देखो मस्त, गाजर पाक वाली नहीं टमाटर की चटनी है ना, तो ऐसे गार्डन की प्याज प्यूज लगा इसमें। तो मैं और जस्सू चले गए थे कहीं कुछ काम से, उस काम से जाने के बाद तो पीछे से आप लोगों को पता ही है कैसे हमारे बंदे व्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो उन्होंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया और आज थोड़ा पैर ठीक है इसलिए मैं कुछ काम से बाहर चला गया था। ये नई साइकिल आज इसकी टेस्टिंग होगी, मैं चलाऊंगी इस नई साइकिल को आज। हाँ पहले पैर ठीक कर लेता हूँ, ठीक कह रहा है कभी पैर और ज्यादा खराब हो जाए ना, मैं लेता हूँ। जस्सू कह रहा है पूरी देखो, ये देख इस तरफ ये मेरी। ओ वाओ क्या क्या है भाई, बीन्स शाही पनीर दही चटनी रोटी, दोनों भाइयाँ धूप में बैठ के खाएंगे आराम से। ओए क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? इंस्टा है हंट, क्या कौन करवा रहा है आपको हंट? दोनों माँ बेटियों ने सेम कलर के वो पहने हुए, व्हाइट और जीन्स, व्हाइट लेकिन ब्लैक जीन्स पहन लिया आपकी मम्मी ने। हाँ तो क्या चल रहा है भाई, मेरे पैर की हालत क्या है सोनिया बताओ? पता नहीं सॉक्स पहने हुए आपने तो हमें भी नहीं पता। हाँ सॉक्स निकाल देता हूँ, इसके ऊपर से तो ठीक है। मेरी चाल के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको? चाल तो आदमी की थोड़ी सी भी होती है। इसका देखा मम्मी कहीं पे भी किसी भी चीज में डायलॉग ढूंढ लेती है। कौन उठ गया? शोर्रे उठ गया, शोर्रे आ गया, शोर्रे आ गया, आंदो अब उठने दो। तो यशिका कितनी देर सोया शोर्रे? 1 घंटा। आजा तो वहां से हाथ दीदी गोदी में आएगा, दीदी गोदी में आएगा कर नहीं बेटा, अब वो गोदी में आएगा, अब नहीं आएगा वो, अब आप उसको पता लग गया ना दीदी आ गई मेरी, तो दीदी गोदी में लेने आई है मुझे। आ जाओ बेटा नीचे आओ, ऐसे ही शोर ने मेरी गोदी में था तो एक सीढ़ी छोड़ के, जैसे कि सोचो अब सोनिया ये देखो मैंने ये वाली सीढ़ी नहीं ली, इसके बदले में मैं इससे सीधा यहाँ रख रहा था, नहीं मतलब समझ लो इतनी बड़ी है, 2 फुट के ऊपर से मेरा ऐसे पैर कूदा था। 2 फुट सीढ़ियाँ 2-2 फुट की होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 फुट की छत, कमाल है बेटा। और 24 फुट की छत। सार्कास्टिक कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को, तुम आप लोग देख रहे हो सार्कास्टिक, ऐसे सोनिया प्यार से बोलती है बस। हाँ जो जैसा सुनना चाहे वो दूसरों की बातों में वैसे ही मतलब ढूंढते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ चाहे सामने वाला कितने प्यार से अच्छी बातें कर रहा हो लेकिन आपको जैसा मतलब ढूंढना है उनकी बातों में आप वैसा ही ढूंढो, और कई बार तो गुस्से में भी आप प्यार ढूंढ सकते हो, तो आप ढूंढ रहे हो वो आपकी वो है,
आपके संस्कार है। अच्छा हमारे नहीं है ना, लड्डू क्लोज बना दो। सिस्टर शिवानी की बातें आ रही हैं, सिस्टर शिवानी के हाँ ईस्टर एग हंट में होता क्या ये तो बताओ। पिछले साल तो नहीं किया था, पिछले साल तो इंडिया में था, इसके नहीं किया था। ये होता है की जगह जगह पे छोटे वाले अंडे छुपाने, ये वाले अंडे हाँ उनके साथ क्लूज रखूंगी कि अगला कहाँ पे है। 19 क्लूज फिर यशिका ढूंढ के लाए। ये बोले 19 के तो 18 हो गए, मैं खाऊंगा ये तो। अब ये खाएगा ओके 18 क्लूज इतने थोड़ी ना लिखेगी मम्मी क्लू, 18 क्लूज लिखेगी। कर लिया सारा टेस्ट, टेस्ट पहले टेस्ट में पास होगी, टेस्ट में अगर आपके नंबर आएंगे पास होने लायक 33% पास पे है। 33% है या आपकी क्लास में कितने परसेंट पासिंग मार्क्स है? अभी आप एक वीडियो बना रहे थे हाँ, कितनी बार आपने उसमें हेलो बोली हेलो दोस्तों, ओ नहीं यशिका फिर से, ओ हेलो दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ओ यशिका फिर से, ओ हेलो दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ। यशिका मेरी रीटेक गिना रही है। हाँ रीटेक लिए मैंने, क्योंकि मेरे को है ना जब तक समझ में नहीं आता, जब तक मेरी फर्स्ट जो है ना पहली लाइन मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उससे मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि यशिका को तो मैं कोई भी टॉपिक 2 या 3 बार समझाती हूँ, अगर उसमें समझ नहीं आता है तो चौथी बार तक थोड़ा सा लेवल चढ़ने लगता है मेरा, पांचवी छठी बार तक तो मतलब जा चुका होता है लेवल। तो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि उसको तो फिर भी वो टॉपिक ऐसा होता है जो उसने कभी सुना नहीं हुआ, पढ़ा नहीं हुआ, सीख रही है वो तो। ओह माय गॉड ये तो बेइज्जती वाली बात हो रही है। तो इतने सालों से बना रहा है और फिर इतने अगर रीटेक है दैट मींस वी शुडंट से एनीथिंग टू आवर किड्स। परफेक्शन ढूंढता है ना रीटेक, तो मैं पहली वीडियो जो मैं अगर मैं पहले डायलॉग में बोली है वो भी ठीक है मेरे लिए। तो हम भी परफेक्शन ही ढूंढ रहे हैं ना कि बच्चे के आंसर सही होने चाहिए, बच्चे को आंसर आना चाहिए परफेक्शन की। तो मतलब यहाँ पे मेरे को अपने आप को सुधारना है या इसको नहीं बोलने हम। जैसे यशिका ने बोला था 1% ऑफ 1, इसने 1 ही लिखा था, बच्चे ने तो कैलकुलेट किया है लेकिन हमारी परफेक्शन के हिसाब से वो आंसर ठीक नहीं है। 1% ऑफ 1 इज 1 है ठीक है। नो इट्स 0.01 ओके। वो चाचू को देखना चाहता है बेटा, उसको लग रहा है चाचू वहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाचू मैच देख रहे हैं। भाई मैं ऊपर चला गया था अभी थोड़ी देर के लिए, मैं नीचे आया हूँ, अभी क्लू लिखे जा रहे हैं। ओके ये क्लू लिखे जा रहे हैं और क्लू देख लेगी तेरे पास तो अच्छा क्वेश्चन लिख रही है, जैसे कि मैं आप लोग दिखा देता हूँ एक क्लू जैसे कोई भी। हाँ तो तू आप उधर दूसरे रूम में जा, द बेस्ट आप लोग पढ़ लो क्योंकि यशिका यही खड़ी है। द बेस्ट कान बंद कर लिए, द बेस्ट रूम इन द होल हाउस। ओ माय गॉड बेस्ट रूम इन द होल हाउस कौन सा होता है? शोरे नहीं यार, शोरे मत फेंक यार प्लीज, दीदी के ही है। यशिका तेरे ये ईस्टर एग यही तोड़ देगा सारे। एक्सक्यूज बोला उसने। मम्मियों कडल कर दो, वो गिराएगा सारे सारे फेंक गया। इसको अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा पीछे घड़ी में या गमले में रखेगी एक मम्मी, ऐसे ही है हमने समझ गए मैं और यशिका, जैसे आपने गर्दन ऐसे घुमाई ना उस तरफ। यशिका और मैं मिलके करें, मैं और यशिका, यशिका तो आप और मैं मिलके करेंगे। अरे मैं हेल्प कर दूंगा, शोरे मेरी हेल्प है। ठीक है शोरे कर देगा हेल्प। वो ले आओ जो वो चाहिए थे ना बास्केट से। हां है शोरे। तो यहाँ पे बन चुके हैं भाई, देखिए सोनिया की राइटिंग देखिए कैसी है, बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है राइटिंग। ये क्लूज है कुछ, यशिका तो उधर है, यशिका तो कल व्लॉग में देख पाएगी। ये लो आइडियाज देख लो भाई, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लिए आइडियाज हैं। अब सोनिया छुपा के आएगी सारे। सोनिया तेरा टास्क हो गया तो एक घंटे का। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या चाहिए? ले 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 तू, यहाँ बिठा दू, नहीं कह रहा यहाँ बिठा दे। ओके ये गेम की स्टार्ट हो रही है। ओके ईशोर एंड यशिका रेडी? यस आर यू रेडी?
Yes! क्या खेल रहे? सीक्रेट सेंटा नहीं, ये लो फर्स्ट क्लू. What does it say? I can show time nearly 3 PM. Okay, पहले उसको एक चॉकलेट खिला दो बेटा, पता लगे कि क्या ढूंढना है. ओह, शोरी एक्साइटेड हो रहा है. ये खो ढूंढना है चॉकलेट. खुश हो गया, खुश हो गया. बस भाई इतना एक्साइटेड मत हो, ढूंढना भी है. दे रही हूँ सारा, नहीं मिलने लगा. लो बस ईस्टर एग हंट हो रहा है यहाँ पे. अब ईस्टर एग हंट के लिए सोनिया ने बना दिए हैं, यशिका और शौर्य ने शुरू कर दिया है, इनको हंट करना है. शौर्य कह रहा है मैं चॉकलेट खाऊंगा सिर्फ जो दीदी आप ढूंढोगे. मैं ढूंढूंगा नहीं रहा आपके साथ, देखो डांस करूंगा. डांस करेगा, नाच देगी इसके नाच. शौर्य पूरी चॉकलेट खा गए रहे हो. देखो फर्स्ट मिल गया. फर्स्ट कहाँ पे था? फर्स्ट इस घड़ी के पीछे. अब क्या है? अब नेक्स्ट क्लू में क्या दिखा? मम्मीज फेवरेट फ्लावर प्लांट आउटसाइड कौन सा है आपको पता है? रोजेज. ओके, मम्मा लव्स रोजेज. तो देखो ढूंढो. नो नो, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो नो नो कह रहा. मिल गया सेकंड क्लू, मिल गया दीदी को. हम उधर वाले ढूंढ रहे थे पीछे गार्डन में और यहाँ पे था प्लांट में. क्या है नेक्स्ट? आई डू फोटोसिंथेसिस इन द ऑफिस. मंदिर मैंडोर. वाओ मिल गए. कितने मिल गए? पर्ची रेस्ट हो रही होगी कहीं पे. संडे चाचू ने किसके लेग फिक्स करे संडे को? हाँ ये तो वापिस. नहीं 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 करा, ये वापिस रखो बेटा. जो चीज जागी है वो वापिस अभी रखते रहो. मैं रखता हूँ. दीदी के पास है चॉकलेट, मेरे पास नहीं है. दो दीदी के साथ जाओ. दीदी से चॉकलेट मांग रहे हैं. इधर है दीदी. हाँ तो पैर फिक्स किसका किया था? सोफे का है. हाँ तो सोफे किया था. देख फिर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छा कर रहे हैं हम. एक में भी नहीं फंसे अभी तक हम. दिखा. I'm sitting like a yogi doing meditation. Sitting like a yogi doing meditation. Okay. और भी है कोई? और भी अंदर भी है कोई? इसमें है यहाँ पे कोई और? हाँ यहाँ पे. सोनिया अच्छा किया आपने. वेरी गुड. थैंक यू. हर साल आइडिया कहाँ से आते हैं? घर की चीजें हैं उन्हीं में छुपाना था, तो बस वो है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट से सीख. नहीं इसमें आप यही बोल. रूम में तो चीजें प्लेस पे है. व्हाट डिड आई से? क्या बोल? रूम में एवरीथिंग इज ऑन चेयर फ्लोर और टेबल्स बट नथिंग एट इट्स. कोई दूसरा रूम है क्या? था मेरा रूम तो नहीं है बेटा. बेटा ये क्या था? मेरा रूम. I'm a room where everything is on chair, floor or tables, but nothing's at its place. Upstairs in the office. मेरे ऑफिस का ऐसे बोल रहा हूँ. मेरे ऑफिस की डिस्क्रिप्शन ऐसी कि भाई कुछ भी उसकी जगह पे नहीं है. चेयर पे, टेबल पे. लेकिन टेबल पे तो जरूरी है ना, टेबल पे तो होना चाहिए. चेयर टेबल सब कुछ पे है. चेयर पे वही लिखा है मैंने कि टेबल पे है, चेयर पे है, फ्लोर पे भी है. अच्छा ढूंढो दीदी से चॉकलेट. नहीं ढूंढनी आपको, पापा का हैंड होल्ड करके ढूंढो. छिक लिया मैंने, ढूंढ गया चॉकलेट. इन्हें खिला दो मेरे को. यशिका ने अभी मेरे को ये खिलाया बुलिस बिस्कुट के बीच में. मुझे ना बीच में क्या है? बीच में बताना, आप बताओ क्या था? क्या है? एक बिस्किट में उसको काट के ऊपर जाके मम्मी का टूथपेस्ट थोड़ा सा डाल दिया उसके ऊपर. क्या पापा का खा लिया? अप्रैल फुल बना दिया इसने मेरा. आप भी कर सकते हो मेरे ऊपर. और ये बेहतरीन तरीके से शोर है और जस्सू दोनों घूमने आ रहे थे. मैंने इनको फोन कर, मैंने फोन करके रुकाया. अपना हाथ में वो ले रहे डब्बा खिलौना. अच्छा चल बाहर बाहर बाहर. मैं क्या हूँ? और मैंने जैकेट बाजी जैकेट लिया. जैकेट जैकेट जैकेट. तब हम आए शॉपिंग करने. शॉपिंग करने क्या? रिमोट खराब हो रखा है तो रिमोट लेने के लिए आए हैं. जस्सू का ऐसा ही होता है. जस्सू कभी भी आता है तो कुछ भी ले जाता है. नीचे छोड़ दे इसने तो. हाँ नहीं जगह एप्पल की उस तरफ होंगी. एप्पल वाली जगह. चल रिमोट ले लेते हैं. कदम बंद हो जा. पहले अपनी जो चीजें हैं वो पकड़ते हैं हाथ में. भगाने लगे तो कम से कम अपनी चीज लेके चलो. ओए इधर आजा शौरी, इधर दिस वे चाचू के पीछे चलो. ये एप्पल गिलनी है क्या? ले ले भाई एप्पल गिल ले.
ईट एप्पल एवरी डे, वही बात है एप्पल के प्रोडक्ट पहनो फिर। शौर्य खुश हो रखा है तू? शौर्य नो बोल रहा है, शौर्य को सारे टीवी देखने को मिल गए। खुश नहीं है तू? यहाँ पे आ जाओ तो इधर, ये देखो टीवी कितना बड़ा टीवी। ये वाला टीवी मैं अगर बताऊँ तो 1599 pounds का है। ये वाला टीवी मैं बताऊँ तो 1600, ये तो सही है 2000 pounds का है। 2000 pounds का सही नहीं है भाई, 2 lakh rupees का, 2 lakh को है रहे हो टीवी। और यहाँ पे स्पेशल रेसिपी के साथ कुछ बनने में लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर मेकिंग। पिज्जा मफिन्स ये है जो आप लोग दिख रहे हो आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे सोनिया कुछ बना रही थी, अभी शौर्य को ले गई है शूज लेने के लिए। और ये हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा कहना के इतने बढ़िया गाजर पाक आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मस्त वाले गोंद के लड्डू इंडिया से आए हुए। और यशिका ने मेरे साथ अप्रैल फुल किया था इसमें, अप्रैल फुल किया यशिका ने। चले शौर्य, शौर्य शूज पहन के आ गया सीधा गेट के पास गया। चलो पापा जैकेट पहन के अब चलेगा मेरे साथ घूमने। चले घूमने, मैं शूज पहन लूं? ओके, हाँ घर के पास ही वॉक करेंगे। शौर्य दूर में तो आप नोटी बन जाओगे। क्या हो गया? जस्सू टीवी ऑन करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑन हो नहीं रहा। भाई वो सेल ले ही हंड था तेरे। अरे बाहर ही तो जा रहे हैं घूमने, भाई कर रहे हैं, देख कटल कर रहे हैं मम्मी को भी। चलो 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 शौर्य, चलो आ जाओ। टोपी कहाँ है? टोपी कहाँ है तेरी? हैट कहाँ है? कहाँ है टोपी? लेके आ जाओ भाग के। दे दो बेटा, दे दो वो ढूंढेगा नहीं तो दे दो। आपको देखा, आपको देखा। बोलो, मैंने जो गुड बॉय पहना दूँ? हाँ ये लो दो, पहना दूँ? कहाँ पहनाऊँ? चार्ट पे पहना दूँ? मास्टर शेफ आज हमारी डिनर बना रही हैं पिज्जा मफिन। ये वाली यहाँ से रेसिपी लेके, वैसे हम पहले भी बनाते थे ये, अब काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे हम तो, जब से शोर हुआ तब से नहीं बनाए तो आज। लेकिन यशिका ने अब दोबारा जब इसको निकाल के शुरू किया तब मुझे ध्यान आया कि ये तो हम पहले बनाते थे। पिज्जा मफिन पहले बनाते थे हम? यस, मैं आपको ये देती थी बेटा, एग में बना के देती थी मैं आपको। आप फ्लावर यूज़ कर रहे हो, मैं एग में बीट करके सारी वेजिटेबल्स और फिर वैसे देती थी आपको मफिन की शेप में बना के। आप काफ़ी खुश होके खाते थे फिर उसे। वो भी है एक आइडिया है, अगर बच्चे जैसे कई बार ये होता है कि नहीं खाते हैं खुश होके कोई चीज़, तो आप एग में बीट करके अच्छे से वेजिटेबल्स को और फिर इस तरह के मफिन शेप में उनको डाल के अवन में बना के दे सकते हो। वैसे तो इफ यू हैव लाइक डिफरेंट शेप यू जस्ट डोंट नीड टू डू मफिन, यू कैन डू लाइक बटरफ्लाई फ्लावर्स। हाउ विल यू मेक देम इन दैट शेप? यू कैन टेक इसका तो ये आता है ना, दिस लाइक इतना स्क्विशी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा हार्ड, और यू कैन डू इट इन दीस टाइप्स ऑफ शेप्स विद दीस। हाँ, लेकिन डेली रूटीन में अगर आप अपने बच्चों को खिलाना चाहें तो इस तरह की मफिन ट्रेज में बना सकते हैं। आज ये शिकायत कर रही है। ये आपके मफिन्स बन गए? बन गए, अच्छे स्मेल आ रहा है। हाँ, अच्छा स्मेल आ रहा है। निकल, ओ वाओ, देखो निकल भी गए अपने आप ही। ओ मेरे को बहुत भूख लग रही है मम्मा, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना वहाँ तक। और इसमें मतलब सोल्टी भी है, वो भी है, स्वीट भी है, दोनों है। स्वीट तो मतलब चीज से थोड़ा स्वीट हो जाएगा, टेस्ट करके देखता है। मैम कौन सा सबसे छोटा है? छोटा क्यों ट्राई करना है आपको? मेरे को बड़ा बड़ा नहीं ट्राई करना, गर्म होगा अभी क्योंकि अभी थोड़ी देर ही हुई है। ओ यमी यमी, तो अभी ट्राई करते हैं। ये रहे इंग्रेडिएंट्स, इसको आपको चाहिए, और स्पाइसी बनाना है जो हमने स्पाइसी नहीं बनाया, एलोपिनोस। और हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग केचप सॉस वी इवन पुट सम मेयो, क्योंकि मम्मा को मेयो भी अच्छी लगती है और केचप भी अच्छा लगता है। ओके जी, हाँ तो ये शिकायत बता रही थी कि ये पेपरोनी का था, हमने वो चेंज करके उसमें वेजिटेबल्स डाल दी थी। ध्यान से बेटा, ध्यान से, इट्स वेरी हॉट। हमारी मास्टर शेफ देखो खुद ही बनाती है, खुद ही टेस्टिंग कर ली थी।
खाने का पता नहीं, बट एटलीस्ट इस तरह की चीजें जब आप बच्चों के साथ ट्राई करते हो तो बच्चे भी सीखते हैं, और आपको भी ये होता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हो। डिनर विनर करके सब सो चुके हैं, यशिका तो सो चुकी है, यशिका शोर है और यशिका की मम्मी, ये तीनों सोने चले गए थे। जस्टू अभी वहाँ बैठा हुआ है, जस्टू टीवी देख रहा है। मैं कुछ अपने ऑफिस का काम करने में लगा हुआ था, ऑफिस का नहीं मतलब यूट्यूब से रिलेटेड इन चीज़ रिलेटेड, तो वो कम्प्लीट हो गया है। तो अब मैं भी सोने के लिए जा रहा था, तो उससे पहले मुझे लगा कि मैंने आप लोगों से बात तो करी नहीं, आप लोगों को तो बाय बाय किया नहीं, गुड नाइट किया नहीं। तो यही था आज का व्लॉग, कोई क्या था आज, हाँ हम बाहर गए थे, इतना कुछ खास नहीं था, जो था आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती है। देखो बहुत सारे लोग हैं ना ये भी सोचते होंगे कि भैया इट्स काइंड ऑफ ए रेपिटेटिव। देखो रेपिटेटिव अगर डेली लाइफ व्लॉगिंग के जब आप व्लॉग्स देखते हो तो रेपिटेटिव तो होता ही है थोड़ा बहुत, ये तो नो डाउट अबाउट इट। और उसके अलावा हम अगर आप लोग सोचते हो कि बाहर घूमने नहीं जाते, तो बाहर बारिश होने में लगी हुई थी, और ऐसा नहीं है कि हम यार डेली, छोटे बच्चे हैं हमारे पास तो हम डेली बाहर भी नहीं जा सकते हैं, पर डेली क्या हम वैसे भी कोशिश करते हैं जब भी जाएं कि आप लोगों को दिखाएं। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो लाइफ में जो चल रहा होता है रेगुलरली वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो भी जैसे इंडिया से मेरा भाई आया था, या हमने प्रॉपर्टीज ली, या अभी घर में कुछ चलने लगा हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो आज एक गेम खेल रही थी यशिका, कि ईस्टर हंट, ईस्टर एग हंट जो होता है वो, उस तरह की तो वो एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शोरा के साथ मस्ती, रावे आई थी उसके साथ जो मस्ती की, तो यही चीज़ होती है डेली लाइफ व्लॉगिंग में, तो इस तरह की चीज़ें शेयर होती हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। और अगर अभी तक भी आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप डेटा में देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना चैनल को, सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जो भी फीडबैक हो सजेशन हो देना जरूर, टेक केयर, बाय।